Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlog. और ये है vlog number 54. मेरे फोन को अचानक एक बहुत कमाल की चीज़ सूझी है. जब से मैं उत्तराखंड से आया हूँ, वो कभी भी जब उसका मन करता है मैं मेरे मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ. ये सबैटिकल लीव पे चला जाता है 6-6, 8-8 घंटे के लिए. जैसे कि फिलहाल ये फ़ोन बंद है, खत्म, बाय बाय टाटा. और ये कल रात से इसका नाटक शुरू हुआ है. अरे कमाल करते हैं यार. जब गांव से हम लोग निकले थे तो हल्द्वानी आते आते फोन ऑफ हो गया. मिस्टेक हो गया. पूरी रात ऑफ रहा, सुबह अपने आप चार्ज होना शुरू हो गया कुछ किए बिना. क्या बकवास कर रहा है? ऐसा ये तब से लेके अब तक पिछले 3 महीने में ये 3 बार कर चुका है. मैंने इसको टेक्नीशियंस को भी दिखा लिया और दे कुडंट फाइंड द फॉल्ट, क्योंकि किसी ने बोला बैटरी खराब है. अगर बैटरी खराब है तो भाई 3 महीने में 3 ही बार हुआ है, वो भी कुछ 6-7 घंटे के लिए. किसी ने बोला कि इसका जो चार्जिंग पॉइंट है ये खराब है. अगर चार्जिंग पॉइंट खराब है तो भाई फोन चार्ज कैसे हो रहा है? हो क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा. मतलब यार ये सब लोग बेवकूफ क्यों बनाते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है. सबसे सुखी आदमी समीर है, इसके पास फोन नहीं है, लेकिन ये फोन के लिए झगड़ा करता रहता है. तारा फोन क्या छे? मारा तो पोर आना. इसके पास फोन नहीं है. केम तुम फोन गुम हो गया, इसने ऑटो में कहीं छोड़ दिया फोन. बराबर छे केम छोड़ दी तो. अच्छा फोन पॉकेट में आता. अच्छा समीर की पॉकेट में फ़ोन था और उसके बाद ऑटो में कहीं गिरा, उसको भी रियलाइज़ नहीं हुआ, तो तब से उसके पास फ़ोन नहीं है. बट वो सबसे सुखी आदमी ना, चार्जिंग करने का टेंशन और सोशल मीडिया उसको आता नहीं है, तो क्या फ़ायदा है. अच्छा है ना, कितनी शांत चेहरे पर दिख रहा है कि कितना शांत और कितनी सुखी ज़िंदगी जी रहा है. देखो गौर से देखो इस चेहरे को. फाइन फाइन. एंड एक्चुअली आज होना ये था कि मैं, मैगी और मायरा पासपोर्ट ऑफिस जाने वाले थे. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हमारे कुछ चेंजेस शायद पासपोर्ट में करने पड़ेंगे, सो दैट कि हमको कभी इंटरनेशनल ट्रैवल में प्रॉब्लम नहीं आए. तो रात को डिसाइड ये हुआ था कि मैं, मैगी और मायरा हम लोग तीनों पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे. लेकिन फिर मैगी ने बोला कि शायद 3 लोगों को वहाँ अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि चेंजेस तीनों के एक साथ नहीं होंगे, 1 by 1 होंगे. तो आज मायरा के पासपोर्ट में चेंजेस होने थे, तो मैगी ने कहा कि मैं मायरा को लेकर जाती हूँ. So basically what you are saying is कि पहले 3 लोग जाने वाले थे, तो मैंने आज जो गुरु माँ के साथ मेरी म्यूजिक सिंगिंग क्लास होती है वो मैंने कैंसिल की थी. लेकिन जब सुबह सब कुछ चेंज हो गया तो आई थॉट कि मैं दोबारा से गुरु माँ को पूछ रहा हूँ कि क्या हम क्लास कर सकते हैं, लेकिन मेरा फोन तो सबेटिकल लीव पर है. तो इस वजह से ना मेरी क्लास हो पाई है. और ब्लॉग एडिट करते करते सुबह के 4 बज गए थे. आई वोक अप एट 11 और अभी हुआ है टाइम 12 बजे हैं. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आज मेरा रियाज़ ख़त्म करता हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मेरा जो रियाज़ है वो बहुत ही हेवायर्ड रहा है. तो इस वक्त बजे हैं शाम के 4 और मैं जा रहा हूँ मायरा को लेकर उसकी क्लास. तो मायरा की एक ऑफलाइन क्लास होती है जिसके लिए उसको हर ट्यूजडे को जाना होता है. और मैगी की मीटिंग है, वो भी उसी साइड में है. तो वी थॉट कि वाई टू टेक 2 कार्स. मैगी इज़ ऑलरेडी देयर. तो मैंने सोचा कि मैं मायरा के साथ ऑटो में जाता हूँ और वापसी में हम लोग एक ही गाड़ी में आ जाएंगे, बिकॉज पीक आवर्स होता है शाम के 6-6:30 बजे होते हैं. 2 कारों में ट्रैवल करना स्पेशली इन ट्रैफिक टाइम कोई सेंस नहीं बनता है. सो वी आर गोइंग बाई ऑटो. मैं मायरा को उसके क्लास में ड्रॉप करूँगा, उसके बाद मैं मीनाक्षी चला जाऊँगा, वहाँ थोड़ी देर टाइम पास करूँगा मम्मी के साथ, और उसके बाद मैं और मैगी मायरा को क्लास से पिकअप करेंगे और सीधा घर आ जाएंगे. मायरा को ड्रॉप कर दिया है फॉर हर क्लास, नाउ गोइंग टू मीनाक्षी. व्हाइल कमिंग बैक वी विल पिक मायरा एंड गो होम. We'll be right back.
हम दोनों निकल ही रहे थे टू यू नो पिकअप मायरा, तभी चिंटू आ गया बिकॉज उसको कुछ काम था, उसको मालूम पड़ा कि हम लोग वहाँ पे, तो उधर आ गया मिलने के लिए। तो अब धर्म संकट की स्थिति कि चिंटू बेचारा आया स्पेशली मिलने के लिए और हम लोग निकल रहे थे, तो मैंने मैगी को बोला तू रुक, मैं तब तक मायरा को लेकर आता हूँ, 10-15-20 मिनट यू गाइस सिट और उसके बाद फिर मैं पिकअप कर लेता हूँ। चलो मैं पहुँच गया, मायरा को लेकर आता हूँ, वेट कर रही होगी क्लास में। Soon after. Who called me? Me. I got your message. I didn't see your call. You called me? Yeah, from the class ka phone. Because my phone is not working, so mera jo spare phone tha, iPhone. You should be glad you kept it. No, it's not glad. You can't survive without your phone. Nahi, aisa kuch nahi hai. बट ये जैसे तुम लॉक करते हो तो उसमें तुम अपने व्यूज चेक करते रहते हो, उसके बाद यू कीप सीइंग कि क्या चेंज करना है, कुछ टाइटल चेंज करना है या नहीं करना, इंस्टा पे क्या चल रहा है, इसलिए अदरवाइज मुझे मेरा फ़ोन कहीं पड़ा भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। So now, are you gonna continue using this phone? नहीं, अगर मेरा वो फ़ोन ठीक हो जाएगा तो वाई। I'm telling you, you have to put it in rice. अरे राइस से कुछ नहीं होता बाबा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके मूड पे, एक्चुअली बहुत मूडी है मेरा फ़ोन, वो कभी अपने आप शुरू हो जाता है और कभी अपने आप बंद हो जाता है। Few moments later. और आज मनोज कुमार हमारे साथ घर जा रहे हैं, फरोज इंजन के मुंह पर मास्क है। I don't need to hide. He is already hidden. अच्छा भाई लोगों, मेघना का मन हो गया है पानी पटाखे खाने का। पानी पूरी बॉम्बे में बोलते हैं बाबा, हम लोग तो गोलगप्पे भी बोलते हैं, पानी पटाखे भी बोलते हैं। जस्ट टू बी डिफरेंट, तुम लोग कुछ भी बोलते हो, चुपचाप खा ले। चिक्की को पट्टी बोलते हो। थैंक यू। चिक्की क्या होता है? चल चिक्की का मतलब बता। पट्टी का मतलब क्या होता है? पट्टी का मतलब जो सीधे पट्टे की तरह पट्टी दिखती है। क्या बोल रहे हो यार? कुछ भी। ठीक है। गुड़गट्टा बोलते हैं, गुड़गट्टा। इन्हें तो समझेगा भी नहीं गुड़गट्टा क्या होता है। Many tic-tacs later. So Maggie, चिंटू और मायरा गए हैं पानी पूरी खाने के लिए, जिसे हम पानी पटाखे कहते हैं या गोलगप्पे कहते हैं, यहाँ पे पानी पूरी कहते हैं। वो खाने के लिए गए हुए हैं, मैं नहीं गया क्योंकि मुझे मालूम है मेरा एक प्लेट में कुछ होता नहीं है, मैं 2 प्लेट कम से कम खाता हूँ और वो खाना इस वक्त ठीक नहीं है। जब मैं ट्राई कर रहा हूँ वेट कंट्रोल करने के लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जाके बाहर पानी पूरी खा लूँ तो सब वेस्ट हो जाएगा। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, इसलिए आई एम सिटिंग इन द कार। मैं जाऊँगा तो कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल, इसलिए इट्स बेटर टू सिट इन द कार। मैंने उनको बोला कि जब ख़त्म हो जाएगा खा के मुझे फ़ोन करना, आई विल कम, आई विल गेट द कार देयर। लेकिन मैं गाड़ी से उतरने वाला नहीं हूँ बॉस, नहीं खाएं। अरे यार, तो फिलहाल मैं घर पहुँच गया हूँ, ऊपर जाता हूँ चाय पीता हूँ, क्योंकि आज चाय नसीब नहीं हुई है। बनी थी मम्मी के घर पे चाय, लेकिन फिर अचानक टाइम देखा कि अरे मायरा को पिकअप करने का टाइम हो गया है, तो मैंने बस ऐसे ही फटाफट 1 सेकंड में चाय ठंडी करके पी। अबे चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। अब तसल्ली से 15 मिनट आराम से बैठ के चाय पीऊँगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, चेंज करूँगा और सीधा नीचे वॉक करने उतर जाऊँगा। अब प्रॉब्लम ये कि मेरा ये फ़ोन तो काम, आईफोन जो मैंने स्पेयर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसमें सॉन्ग्स नहीं है, तो होपफुली मैं घर जाके चेक भी करता हूँ कि अगर मेरा फ़ोन काम कर रहा है तो देन नथिंग लाइक इट। Hours later. Hey guys, so welcome back. 3 दिन लगातार back to back matches खेलने के बाद थोड़ा सा फ़र्क तो समझ में आ रहा है, जो कि धीरे धीरे आपके ऊपर चढ़ता है जब आपको आपकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ लगने लगती है। सो हालांकि मैंने आज सुबह थोड़ी सी हल्की सी पूरी मालिश की है खुद की, सो दैट कि जो अंदर के जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, थोड़ी सी लूजन अप होती हैं। क्योंकि आज मेजर फोकस मेरा रनिंग पे कम होगा, क्योंकि 3 दिन क्रिकेट खेलने में रनिंग तो बहुत हुई है,
अब मैं सोच रहा हूँ आज मैं रनिंग आधा घंटा करूँगा और बाकी टाइम फोकस करूँगा मेरी स्केटिंग पे। तो आज का दिन हो गया पूरा 1000 स्किपिंग और हाफ एन आवर रनिंग के साथ मेरा वर्कआउट भी पूरा हो गया, जो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन ये मेरे साथ हमेशा होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे मेरे एरिया में पहुँचता हूँ, धीरे 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 मैं रिदम पकड़ता हूँ, फिर मेरा वर्कआउट पूरा हो जाता है। इसीलिए शायद कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत है ना, वो हमेशा मुश्किल होती है। जैसे कि मेरी व्लॉगिंग की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, अभी लगता है कि कल का व्लॉग क्या करूँगा, कहाँ से बनाऊँगा, क्या डालूँगा, एंटरटेनिंग कैसे बनाऊँगा, एडिट कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन एंड में सब हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू टुमारो इन माय न्यू ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि।